शिवपुरी में नकली दूध बेचने का मामला सामने आया है, जहां का लबनिया टोल निवासी अमरीश शर्मा ने विष्णु मंदिर के पास जैन दूध डेयरी से 1 लीटर दूध लिया और अपने घर आ गए, लेकिन रात में दूध को गर्म करना भूल गया। सुबह जब दूध को गर्म किया तो उसमें अजीब नजारा देखने को मिला। आमतौर पर ऐसी स्थिति में जब दूध को ज्यादा देर तक गर्म नहीं किया जाता है तो वह फट जाता है और दही बन जाता है, लेकिन अमरीश शर्मा ने जब सुबह दूध को गर्म किया तो वह रबड़ की तरह खींचने लगा, जिसे देखकर उनके कुछ समझ में नहीं आया। बाद में पता चला कि यह दूध जो उन्होंने जैन डेयरी से लिया है उसमें मिलावट की गई है, इसलिए वह इस तरह का हो गया है। जबकि शहर ने स्वास्थ्य विभाग और खाद्य और औषधि विभाग द्वारा समय पर सैंपलिंग न लिए जाने के अधिकतर डेयरी संचालक मिलावट करके आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे मैं वहाँ पर गया जैन डेयरी में विष्णु मंदिर के पास में, वहाँ से मैंने 1 लीटर दूध लिया। दूध लेके मैं घर आ गया, दूध को मैं गर्म करना भूल गया। जब सुबह गर्म किया तो उसको रबड़ की तरह ऐसे ऐसे खींच रहा और अजीब सी स्मेल आ रही है उसमें से।